साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जिंदगी मौत का मामला है। दुनिया में जहां इलाज मुमकिन है जाना चाहिए। सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी लेकिन वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। मरियम नवाज का वालिद की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, कहा पाकिस्तान में मुमकिन हर इलाज किया जा चुका है लेकिन नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही। इस वक्त मेरी तमाम तर तवज्जो मियाँ साहब की सेहत पर है। ज़िंदगी चलती रही कि वालिदैन दोबारा नहीं मिले और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ एक साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नौकरों पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए आई हूँ और उनके मामला मैं खुद देखती हूँ। तो मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी और सेहत की फिक्र क्योंकि वालिदैन दोबारा नहीं मिलती। बाहर जाने के हवाले से आपके अपने डॉक्टर का बोर्ड है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली। अब उनको किसी स्पेशलाइज सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए मेरे लिए बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है।